देख लो जिम जाने की, कह रहे कह रहे चला जाए जिम, बैठ बैठे तो हुआ है तू। मैंने कहा हार जाएगी पहले तो। वो नीचे माला पहनाई है और प्रसाद दिया है और कह रहे तुम्हें खा रहा है। सो गाइज गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो अभी बस जस्ट होके उठा हूँ, आज मैं जिम गया नहीं क्योंकि भाई घर में किरता रहा, तो भैया सुबह से तैयारियाँ चल रही है, साफ़ सफाई चल रही हैगी। वैसे साफ़ सफाई तो एक हफ्ते पहले से चल रही थी, तो अभी थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो तो लिया है, अब जो थोड़ा बहुत बचा है काम वाम वो करवा रहे। मैं जिम इसलिए नहीं गया क्योंकि पापा चिल्लाते कि भाई घर में काम हैगा और तो जिम भाग गया, इसलिए मैं जिम नहीं गया। घर दोस्त को ही बोला, मैं कहा हेलो जिम जा रहा है, वो भी कह रहा कि आज नहीं जाऊंगा, आज ऑफिस का काम है मेरे को। मैं कहा बस बढ़िया, मैं भी नहीं जा रहा हूँ आज, ठीक है। तो अब आज घर में कहते ना तो काम कराएंगे घर का, और अभी मम्मी भी काम कर रही है, कुछ कुछ बना रही है, मैं भी अभी सोकर उठाऊँ तो दिखाता हूँ आपको आज का कि कैसे क्या होता है, कि मैं दिखाता हूँ, ठीक है आपको। सो भाई गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं थोड़ी देर पहले, तो घर पे तैयारी चल रही है आज की, कीर्तन आएगा घर पे तैयारियाँ चल रही है, सुबह से काम वाम चल रहा है। मेरे को भी उठा दिया जल्दी के, उठ 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 काम करवा। मैंने कहा ठीक है अभी उठता होगा, तो अभी थोड़ा सोकर नींद के नशे में हूँ, तो थोड़ा बैठा हुआ हूँ ऐसे ही सीन आएगा। अभी तैयारी चल रही है घर पे, मैं जिम भी नहीं गया आज क्योंकि इसलिए पापा गुस्सा करते कि घर में काम है अगर तू जिम भाग गया ऐसे करके। तो फिर मैंने अपने दोस्त को भी फ़ोन करा, वो कहा आज मेरे को ऑफिस का काम है, आज मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा बस बढ़िया, मैंने कहा आज मैं भी नहीं जा रहा, वैसे भी घर में काम आएगा। तो आज का दिन दिखाता हूँ आपको, बाकी अभी उठा हूँ करता हूँ सब कुछ और अभी काम भी आएगा, तो आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो दिखाता हूँ आज का पूरा दिन कैसे जाता है। क्या अब कह रहे कि जिम चला जा, अब सुबह से तो कह रहे थे क्या वार्म करवा ले, जिम नहीं जाना। हाँ अब तो छुट्टी भी हो, 10 बज गए, अब तो अब क्या जाऊंगा जिम विम में मैं। वो तो किट्टू के साथ जाता था ना, किट्टू था वो तो, किट्टू के साथ जाता था। किट्टू अब जाता नहीं है ज्यादा, मतलब इसको ज्यादा काम पड़ता, आज जाएगा 1:30 बजे, तो 1:30 बजे मेरा फायदा है तो है नहीं, जब तक तो स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, फिर आप उसमें फोन करके बुलाओगे कि जल्दी आ काम हैगा। हाँ देख लो अब जिम जाने की, कह रहे चला जा जिम, बैठा ही तो हुआ है तू। मैंने कहा हद आएगी, पहले तो जाने नहीं दे रहे थे, अब कह रहे जा। कोई काम वाम तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बस कुछ टेबल वेबल सेट कर रहे हैं नीचे और कुछ नहीं है। अब इतना मैं खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर में फिर मैं नहाने वहाँ के रेडी वेडी हो जाऊँगा, पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ अपना ये, ठीक है। टेबल आ गया, अभी अभी रखा ये टेबल क्योंकि भाई टेंट वालों से मांगा था, वो कह रहे हमारे तो रिपेयर होने गए हुए हैं क्योंकि अभी सीज़न वगैरह भी नहीं है ना शादी वगैरह किसी चीज़ का, तो कह रहे हमारे तो रिपेयर होने गए हैं। तो हमें ये पड़ोस से मिला, ये पड़ोस में रहते हैं आंटी, उनसे मिला, तो कह रही हमारा ले लो ये टेबल, तो यहाँ पे इस पर माता का वो सजाते हैं। नहा तो मैं लिया ही हूँ, बस मैंने कपड़े नहीं पहने क्योंकि भाई अभी थोड़ा सा काम और बाकी आएगा, और सब कह रहे कि नहा लो अब सीधा, जब स्टार्ट होगा तो सीधा कपड़े पहन के नीचे काम करने स्टार्ट, नीचे मतलब पूजा करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए मैं नहा लिया। भाई भाई सब नहा लिए, अभी कपड़े मैंने ऐसे रखे हुए, मैं सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनूंगा, ठीक है। और अभी खाना खाते हैं पहले, तो मेरे इसकी चटनी वटनी बनाई है चावल के साथ, कुछ ना बनाया, मिर्ची वाले है बस, भाई के साथ चटनी वटनी दी नहीं, मम्मी कह रही चुपचाप खा ले, सुबह से काम में लगे पड़े हैं, अचार के साथ खा ले, चुपचाप खा लेते हैं क्योंकि सब काम में लगे पड़े हैं पता है, तो अचार के साथ ही खा लेते हैं, चटनी वटनी का छोड़ो, ठीक है। तो खा लेते हैं पहले इसको, ये देखो अकेलापन देखो, फोन में गाने सुन रहा है वो, स्पीकर में भी नहीं सुन रहा, इतना अकेलापन है इसकी ज़िंदगी में। ये रहा सारा सामान पूजा का, कीर्तन करने वाले भी आ गए हैं, ये पापा सामान निकलवा रहे हैं। चल तैयारी चल रही है अपनी कीर्तन की, सारे आ गए कीर्तन
जो करते आएंगे वो आ गएंगे। अब तो अपने कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो लेते हैं, फिर नीचे बैठेंगे हम। ठीक है भाई, मैं तो रेडी हो गया, मेरा वाइट कुर्ता पजामा पहना है मैंने। ठीक है मैं रेडी हो गया, अब सारे घर वाले रेडी हो रहे हैं। और भाई मेरा ये बटन टूट गया था, अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मम्मी भी कह रही इतना टाइम नहीं है मेरे पास तेरा बटन लगाओ भाई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नीचे अब सारे आ गए, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो अब करते हैं स्टार्ट, अपना सब रेडी हो रहा है, उसके बाद दिखाता हूँ आपको बाकी भी सबको रेडी होने दो पहले। वो नीचे माला पहनाई है और प्रसाद दिया है और कह रहे तुम्हें ही खाना है। इसका शूट मैं कर नहीं पाया क्योंकि नीचे बहुत भीड़ मची पड़ी है और किसको कैमरा पकड़ाओ किसको क्या करूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी से लिया और वो ऊपर आ गया, तो ये रखने आया था मैं ऊपर। बाकी नीचे काम देखते हैं और जो भी होता है आपको दिखाता चलता हूँ मैं। और जो जो शूट नहीं कर पाया भाई, मैं खुद को नहीं दिखा पाया क्योंकि भाई बैठा हुआ था और आगे का दिखा रहा था मैं आपको सारा सीन,
जो भी था जैसे भी था जितना हो पाया उतना दिखाया, बाकी और जो भी होता आज वो दिखाता हूँ आपको, बाकी रख देता हूँ वैसे वाज सारा। तो भाई सब ने खाना खा लिया, मैंने जो काम करा रहा था अब मेरे को मौका मिला है। और खाने में क्या होता है, वही माता का जो प्रसाद होता है आलू की सब्जी पूड़ी और हलवा, ये प्रसाद होता है खा लेते हैं इसको, क्योंकि जब से मैं काम करा रहा था इधर उधर भागा दौड़ी अब मेरे को टाइम मिला तो अब खाना खा रहा हूँ। तो पहले खा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अभी कपड़े बड़े चेंज करो, बहुत ज़्यादा से थकावट हो रही है, बहुत गंदी वाली। और अभी पूजा वूजा खत्म हुई है, साफ सफाई चल रही है, मेरे बर्तन वर्तन धो रहे हैं, झाड़ू वाड़ू तो अभी लगेगी नहीं, कल सुबह लगेगी। तो भाई अभी सब कुछ खत्म होगा, सब खाना वाना खाकर। और जो इससे पहले जो क्लिप देखी थी उसमें बुआ और पापा हंसी मजाक कर रहे थे, पता नहीं कैमरे में आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि गूंज रही थी थोड़ी बहुत आवाज़, तो अभी ऐसे था। तो अभी कहीं जाना तो है नहीं, सफाई वफाई चल रही है, ठीक है। 9:30 बज रहे हैं और जल्दी सो जाऊंगा, क्योंकि भाई अब बहुत ज़्यादा थक रखा हूँ, सुबह से काम कर रहे थे हम सारे के सारे। और ये रही जोत, ये रही जोत, यहाँ पे रखी रहेगी आज, यहीं रखी रहेगी माता के मंदिर के यहाँ पे, ठीक है। भाई मैं जितना दिखा सकता था उतना दिखाया, क्योंकि वहाँ पे भजन बहुत ज़्यादा चल रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि ये भजन चल रहे थे, क्या ही बोलता हुआ फिर इसलिए मैंने आपको बस दिखाया कि ऐसे कीर्तन हो रहा है घर में। और बाकी जो अच्छा लगा आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक की बाय और बाय भाई। और भाई कीर्तन ऐसे गया था, मतलब ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, जितना दिखा पाया उतना देख लेना। बाकी मिलते हैं, ठीक है, बाय।